व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिवेलेंट एजुकेशन। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा, हमको इस वीडियो में बात किसकी करनी है। काफ़ी दिनों से कई सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही हैं। इस वीडियो में मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड सभी सवाल इसमें मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज क्या होगी, फीस क्या होगी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। वैकेंसी कितनी होगी सब कुछ बता दूंगा। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें 4000 से ज़्यादा लोग ऐड हैं, लाभ उठा रहे हैं लगातार। देखिए, मैं इसमें डेली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसमें आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं आपको इसमें लगभग 40 से 50 प्रश्न डेली आपको दे रहा हूँ, और इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी लगातार दे रहा हूँ। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ये फाइल्स दिख रही होगी, इसमें आपको सभी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में आप प्रिवेलेंट एजुकेशन सर्च कर सकते हैं। देखिएगा, 4300 से ज़्यादा लोग ऐड हैं, आप लोग उसको लाभ उठा सकते हैं। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी सभी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँगा। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि प्रिवेलेंट एजुकेशन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट कि जितनी भी वैकेंसीज़ है उसके बारे में अपडेट दी जाती है। तो अगर आप लोगों में से जो भी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हों, अगर आपको रेगुलर अपडेट से इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड चाहिए और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतने ज़्यादा आपको मैं वीडियोज़ दूंगा, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अब बात करते हैं काम की। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम कराएगा वो NTA ही कराएगा, क्योंकि NTA के पास ही टेंडर है। NTA का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, ऐसा ही आपका कुछ एडवर्टीजमेंट आएगा और यहाँ पे 2023 लिखा होगा। ठीक है, और एक वैकेंसी आपकी और आ सकती है, रिव्यू ऑफिसर ARO और CA कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी साथ में आ सकती है। कितनी वैकेंसी आ सकती है, आपको ऑलरेडी बताया है कि दो ढाई गुना वैकेंसी आपकी ARO से, ढाई गुना वैकेंसी आपकी ARO की होगी। ठीक है, ARO की वैकेंसी कितनी हो सकती है यह भी मैंने आपको बता दिया है। ARO की वैकेंसी आपकी 80 के आसपास हो सकती है, ARO की वैकेंसी आपकी 220 के आसपास हो सकती है, CA की वैकेंसी आपकी 20 हो सकती है, 15 से 20 तक। इस तरह आपकी वैकेंसी के चांसेस टोटल कितने होंगे, 330 प्लस वैकेंसी होने के चांसेज हैं। ठीक है, अभी तक जानकारी के अनुसार यही है। कब तक वैकेंसी आ सकती है यह भी मैंने आपको बता दिया है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, फ़ीस आएगी तो फ़ीस 800 रुपये, अगर ये वैकेंसी आएगी तो 800 रुपये फ़ीस ARO के लिए अलग लगेगी, ARO के लिए अलग लगेगी, CA के लिए अलग लगेगी। ठीक है, मतलब आपको अलग अलग फ़ीस देना पड़ेगा। अगर आप तीनों फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो तीनों आप अलग फ़ीस पे करना होगा आपको। ऑनलाइन मोड से ही आपको फ़ीस पे करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले ग्रेड पे बताना चाहता हूँ, ARO का ग्रेड पे होता है 4800। ठीक है, लेवल 8 में गजटेड ऑफिसर होते हैं आप लोग। ठीक है, ये ARO, ARO का ग्रेड पे क्या होता है, ARO का ग्रेड पे 4600 होता है, लेवल 7। ठीक है, ये नॉन गजटेड होता है। ARO बनने के बाद आप 4-5 साल में ARO बनते हो और आप गजटेड बनते हो। ठीक है, तो मतलब सिर्फ वन डे एग्ज़ाम, सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर आप लोग गजटेड ऑफिसर बन सकते हो। इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा किसी भी नौकरी में। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बैचलर डिग्री आपको चाहिए, सिर्फ बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट चाहिए। 3 महीने से कम का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, 3 महीने से ज़्यादा का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, CCC हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे DCA हो, ADCA हो, चाहे PGDCA हो, चाहे BCA हो, कुछ भी आपके पास हो, बस कंप्यूटर का कुछ होना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, कोई भी डिग्री आपके पास हो, ओ लेवल हो, कुछ भी हो, देखिए साफ साफ लिखा है, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ओ लेवल या फिर CCC। ठीक है, कुछ भी हो। एक चीज़ और बता रहा हूँ, टाइपिंग की स्पीड आपकी 25 की मांगा है, इंग्लिश की टाइपिंग, सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग आती है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। यही सेम टू सेम क्वालिफिकेशन आपकी ARO की भी है, सेम टू सेम यही क्वालिफिकेशन आपकी ARO की भी है। रिजर्वेशन की मैं बात कर लेता हूँ, रिजर्वेशन एज इट इज़, जैसी सारी वैकेंसी मिलता है एज इट इज़ रिजर्वेशन सबको मिलता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन के लिए 20% है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि सिर्फ एक ही रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा। एक रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप OBC हैं, जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर फीमेल कैंडिडेट OBC है तो या तो वो OBC का कोटा ले ले या तो फिर फीमेल का कोटा ले ले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक्स सर्विसमैन का भी कोटा मिल जाएगा उसको, OBC का भी कोटा मिल जाएगा और
फीमेल का भी कोटा मिल जाएगा, सिर्फ एक कोटा ही मिलेगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ आपको एक ही कंसेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए साफ साफ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, सिंपल बैचलर डिग्री आपको चाहिए, डिप्लोमा कुछ भी, आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कैसा भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। एज लिमिट मैं आपको बताना चाहता हूँ, 21 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए आपको, 35 साल, 21 से लेकर 35 साल तक की एज आप हो सकते हैं, OBC क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो जिनकी कैटेगरी है, ठीक है, जिनकी कैटेगरी है OBC और जो आप हो गए SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है OBC के लिए 5 साल का मिल रहा है, ठीक है, इसमें क्रीमी लेयर का लिए कुछ अलग से नहीं दिया है, मतलब OBC कैटेगरी वाले सभी लोग, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, आप लोग के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब 40 साल तक के लोग भर सकते हैं फॉर्म, 21 से 40 साल, ठीक है। दूसरी बात और जो भी UP के कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है, यूपी के सिटीजन होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, ठीक है। PH के लिए 15 साल के लिए, ठीक है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये हो गया, ठीक है, सेम बात यहाँ भी लिखी हुई है। अब एक बात और कर लेते हैं, आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जिस दिन टाइपिंग हुई थी उसी दिन आपका रिटर्न हुआ था, मतलब जिस दिन रिटर्न हुआ था उसी दिन आपकी टाइपिंग भी हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको दिया गया था। तो इस बार सबसे ज़्यादा सवाल स्टूडेंट्स का यही है, क्या इस बार पेपर ऑफलाइन होगा, क्या इस बार टाइपिंग अलग से होगी, दूसरे दिन होगी? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, NTA है, देखिए NTA पिछली बार पेपर आपका आसान बनाया था क्योंकि पहली बार हो रहा था, इस बार आपका पेपर टफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब NTA को आइडिया मिल गया है, जितना बड़ा ग्रेड पे उतना टफ पेपर। तो मैंने आपको बताया कि आप लेवल PCS प्री का रखिए, PCS प्री से टफ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि सबसे टफ PCS UP PCS ही है, ठीक है। तो अगर PCS प्री का आपने लेवल रखा है तो आप सेफ हो। एक जो बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जो पिछली बार टाइपिंग आई थी आपकी 50 नंबर की टाइपिंग थी, वो 20 मिनट मिल रहा था, 500 वर्ड थे, 25 की स्पीड मांगा था, ठीक है। देखिए जहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पिछली साल मतलब पिछली बार जो उन्होंने जैसा एग्ज़ाम कराया था उस हिसाब से तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई थी, बहुत सारी पिटीशंस डाली गई थी, तो बाद में सुनने में ही आया था, हो सकता है कि इस बार ये टाइपिंग को अलग लें या फिर हो सकता है कि इस बार ये लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम लें, लेकिन यह अभी श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तैयार, आप माइंड बेकअप दोनों तरीके से आप माइंड बेकअप रखिएगा, पिछली बार की तरह भी रखिएगा, और हो सकता जो पहले होता था कि पहले आपका रिटर्न ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन पेन पेपर वाला, और उसके बाद टाइपिंग होती थी, रिजल्ट निकलता था स्टेज वन का, उसके बाद टाइपिंग होती थी, फिर फाइनल रिजल्ट निकलता था। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, फ़ायदा आपका इसी में है, फ़ायदा आपका इसी में है, सेम डे टाइपिंग वाला, जिस दिन रिटर्न होगा उस दिन टाइपिंग होगी, इसमें आपका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा 2-3 नंबर कम पाएगा रिटर्न में वो टाइपिंग में खींच सकता है, और रिजल्ट दोनों का साथ में आता है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। घाटा इसमें उन लोगों के लिए है जिनका रिटर्न थोड़ा सा ख़राब है, और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है कि उसमें आपको पता है पहले रिजल्ट निकालते हैं, ऑफलाइन की कट ऑफ जाती है अलग से स्टेज वन का, उसके बाद टाइपिंग होती है, तो उसमें लॉस उनका है जिनका रिटर्न थोड़ा कमज़ोर है, जिनका रिटर्न थोड़ा कमज़ोर है उनको उनका फ़ायदा सिर्फ ऑनलाइन में है, ठीक है। लेकिन आप दोनों तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि क्या पिछली बार की तरह रखेंगे या उसके पहले की तरह रखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप दोनों के लिए तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा आपको 1-2 महीने से, ठीक है। टाइपिंग अगर साथ में भी हो गई तब के लिए भी तैयार रहिए, और अगर साथ में नहीं हुई तब के लिए भी तैयार रहिए। साफ साफ बता दे रहा हूँ, 200 नंबर का रिटर्न होता है, 200 मार्क्स का रिटर्न होता है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 3 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है, 180 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी टाइपिंग होती है वो 50 नंबर की होती है, 25 की स्पीड से टाइपिंग होती है, 500 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं, 20 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। टाइपिंग तो आपकी सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। टाइपिंग के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे किसी बच्चे की टाइपिंग, ये तो आपको पता है कि 20 मिनट टाइपिंग के लिए मिलता है, अगर किसी बच्चे की टाइपिंग 17 मिनट में ख़त्म हो गई तो आप 17 मिनट में ही उसको सबमिट कर दे, खुद से ऑटो सबमिट मत करिएगा, क्योंकि क्या हुआ था पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स ऑटो सबमिट का वेट किए, उन्होंने कहा अपने आप सबमिट हो जाएगा। अब देखिए अपने आप सबमिट होने में लॉस क्या है, अपने आप सबमिट होने में लॉस ये है, जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने 500 वर्ड टाइप किया, ठीक है, 500 वर्ड आए थे, 20 मिनट में ऑटो सबमिट हुआ, और जब 20 मिनट में ऑटो सबमिट हुआ तो अगर हम 500 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 25 की स्पीड हुई, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने 500 के 500 वर्ड सही टाइप किए थे, हो सकता है एक आध गलती किया हो आपने, जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने 2 गलती कर दी
तो उसके तो सही 498 वर्ड हुए ना। अगर हम इस 498 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 24.9 की स्पीड हो गई। अब चूंकि 24.9 की स्पीड हो गई तो आप टाइपिंग में फेल हो गए, ठीक है। वहीं अगर कोई बच्चा, वहीं मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्या किया होता, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 500 वर्ड टाइप किए और मान लीजिए उसकी 10 गलती भी है, मतलब उसने 490 वर्ड सही किए लेकिन उसने क्या किया, उसने 18 मिनट में सबमिट कर दिया, तो ये जो उसका 490 वर्ड जो डिवाइड होगा वो 18 से डिवाइड होगा। जब हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो वो लड़का पास हो गया, ठीक है, उसकी 25 की स्पीड निकल आई, ठीक है, तो इसमें वो पास हुआ। तो आपको ध्यान देना है, आपको ऑटो सबमिट का वेट नहीं करना है, ठीक है। आपकी टाइपिंग जितनी देर में ख़त्म हो रही है आप तुरंत सबमिट कर दें। और इसीलिए बहुत लोगों को इस बार रिजल्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स के 174 नंबर थे, 176 नंबर थे, लेकिन टाइपिंग में फेल होने की वजह से उनका फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं था। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या है, जनरल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, करंट सीए करंट अफेयर भी आपका आता है, जनरल एम्पटीट्यूड भी आपका आता है। जनरल एम्पटीट्यूड में आपको पता है रीजनिंग मैथ्स के साथ आती है, ठीक है। यूपी स्पेशल भी आपका आता है, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज आएगी, ठीक है, और हिंदी के भी क्वेश्चंस आएंगे, उत्तर प्रदेश की यूपी स्पेशल भी होगा, ये आपने देखा होगा, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट मैंने एज इट इज़ सिंपल आपको बता दिया है कि आपको टाइपिंग के लिए आपको स्क्रीन में एक मैटर दिखेगा, आपको उसको एज इट इज़ वैसे ही टाइप करना होगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। सेम एज इट इज़ आपका एआरओ का भी सिलेबस होगा, जैसे आरओ का सिलेबस है, और वैसे ही आपको कंप्यूटर असिस्टेंट का भी सिलेबस ही होगा, बस लेवल का फ़र्क होगा, ठीक है। तो देखिए, जनरल साइंस या आपको जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आती है, बायो में बॉटनी और जूलॉजी अलग से आती है, ठीक है। तो लूसेंट सबसे अच्छा आपका साइंस के लिए लूसेंट रहेगा, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए आप जानते हैं, देखिए सब की किताब मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, मैंने घटना चक्र की किताब आपको प्रोवाइड कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, दोनों माध्यम से, दोनों मीडियम से, ठीक है। सब कुछ ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हूँ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का भी मैंने दोनों किताब आपको प्रोवाइड कर दी, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। कंप्यूटर भी आपका ख़त्म, कंप्यूटर और हिस्ट्री मैंने दी है, साइंस मैंने दी है, इंडियन पॉलिटी मैंने दी है, इकोनॉमिक्स दी है, नेशनल मूवमेंट मैंने सब कुछ दिया है आपको, ठीक है। अब सवाल आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके सवाल सीए करंट अफेयर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यूपी स्पेशल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है ऑलरेडी, और इंग्लिश भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी की किताब भी मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी मुझे देना, बाकी मैंने सब कुछ आपको दिया है, इन्वायरमेंट से लेकर सब कुछ मैंने दिया है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सब कुछ मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो जितना भी ये सिलेबस दे रहा है, मैंने सब की स्टडी मटेरियल आपको दिए हुए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी एक तरीके से देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी उसी में चल जाएगी, लूसेंट। अगर आपने 2022 की लूसेंट पढ़ी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप उतने से ही पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। इसमें आपको कोई यूपीएससी वाली वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, और ये मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। आपको दोनों एग्ज़ाम पैटर्न के लिए तैयार रहना है, जो पिछली बार हुआ था उसके लिए भी, जो साथ में टाइपिंग होती थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, उसके लिए तैयार रहना है, और उसके पहले जो होता था आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम जैसे होता था, ठीक है। आपको दोनों टाइपिंग के लिए तैयार रहना है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना है, स्क्रीन में मैटर आ रहा है उसके लिए तैयार रहिए, या जो पेपर मिलता था उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। आप दोनों में रहोगे सेफ तभी आप खेल पाओगे अच्छा वहाँ पे। जिन लोगों ने पिछली बार पेपर दिया होगा उनको पता होगा, पहले रिटर्न होता था, उसके बाद 15 मिनट का गैप मिलता था, फिर उसके बाद टाइपिंग होती थी, ठीक है। तो ये आपको पता है, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और जो खबरें निकल के जो कई लोग दे रहे हैं कि हो सकता है इस बार एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है इस बार ऑफलाइन हो, क्यों? क्योंकि पिछली बार पिटीशंस डाली गई थी, उस आधार पर ये बात कर रहे हैं, और अभी इसकी कोई 100% सत्यता नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि एनटीए के पास टेंडर है और एनटीए ही आपका एग्ज़ाम कराएगा। तो अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम मान लीजिए अगर एनटीए कराता है तो फिर समझ इसका लेवल टफ होगा, ठीक है। पिछली बार से लेवल उसका काफ़ी टफ होगा, तो इसलिए आप अपना लेवल अच्छा करिए। इतना बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, दोनों भाषाओं में पेपर छपा होगा, ठीक है, इतना बता दे रहा हूँ मैं आपको। और जो टाइपिंग होगी वो टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश की ही होगी, हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, और इस एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको देना है, टाइपिंग के मार्क्स जुड़ेंगे और फाइनल रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, यदि कोई बंदा आरओ बनता है तो 4800 ग्रेड पे का वो ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से पिछला इनका स्कीम था 500 वर्ड आते थे, 500 वर्ड 50 नंबर के थे, उस हिसाब से 10 नंबर मतलब 10 गलती पर एक नंबर कटता था, 10 गलती पे एक नंबर कटता था, ठीक है, जिस हिसाब से पिछली बार इन्होंने टाइपिंग किया था, ठीक है। तो कोई लड़का 50 गलती करेगा तो
पाँच नंबर कटेगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दिया हूँ, आप गलती कितनी भी करें लेकिन जैसे ही आपका मैटर कंप्लीट हो जाए, 500 वर्ड कंप्लीट हो जाए, अगर 17 मिनट में कंप्लीट हो जाए, आप तुरंत उसको ऑटो सबमिट का वेट मत करिए, तुरंत आप उसको सबमिट करें। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक गलती भी होगी, जैसे मान लीजिए आपने 500 वर्ड टाइप किया, अगर आपने एक गलती कर दी तो आपके 499 वर्ड सही रहे, और अगर आपने ऑटो वर्ड का इंतज़ार मतलब ऑटो सबमिट का आपने इंतज़ार किया तो 24 से डिवाइड होगा तो आपकी स्पीड 25 से नीचे आ जाएगी। 25 से स्पीड नीचे आने पर अगर आपकी एक्यूरेसी कुछ भी आपकी एक्यूरेसी हो, उनको कोई मतलब नहीं, आपकी स्पीड 25 से नीचे आती है, आप फेल हो टाइपिंग में। यही हुआ था पिछले साल, इसलिए लोगों को रिजल्ट समझ में नहीं आया था, ठीक है। और पिछले साल हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग थी, क्योंकि किसी शिफ्ट में स्टूडेंट्स के 176 नंबर थे तब भी फेल थे, किसी शिफ्ट में लड़कों के 148-150 नंबर थे तब भी उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि टॉपर, देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के आधार पर पिछली बार रिजल्ट आया था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट सुबह की है, सुबह की शिफ्ट में लड़का 194 नंबर मारा है टॉपर, अगर टॉपर ने 194 नंबर मारा है और मान लीजिए 10 लड़के और हैं जो 190 नंबर मार दिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिफ्ट टफ आई, 160 नंबर टॉपर लड़का मारा, जो टॉपर लड़का है उसने 160 नंबर मारा, तो अगर आपके 145 नंबर भी हैं, अगर आपके 145 नंबर भी या आपके 155 नंबर हैं, तो टॉपर से तो आप 5 ही नंबर कम हो ना, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे 99% होगा, ठीक है, और वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन 99% कब बन रहा है, वहाँ पे 99% आपका तब बन रहा है जब आपके 170 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो बस पिछले साल यही हुआ है जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है और इसको आप थोड़ा सही से इस बार फोकस करिएगा। देखिए मैं इसी चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ जो ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। रॉ मार्क्स आपके कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब मैंने आपको समझा दिया है पिछली बार जो रिज़ल्ट में, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और अगर इस बार ऑफलाइन पेपर होता है तो आपको पता है 6 से 7 गुना बनाता है हर बार, ठीक है। तो अगर 300 वैकेंसी है तो 2100 लोगों को पास करेगा, ठीक है, टाइपिंग में बुलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है 2-2.5 लाख फॉर्म अगर पड़ते हैं तो 2100 वैकेंसी मतलब 2100 लोगों को अगर स्टेज टू के लिए पास करता है तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कितना टारगेट रखें, आप 175 टारगेट रखें, 175 से नीचे आपका किसी हालत में नहीं आना चाहिए, और टाइपिंग में 49 नंबर रखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ खेलिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसमें करप्शन होता है, जो भी होता है, देखिए करप्शन तो हर वैकेंसी होता है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जिसमें करप्शन ना हो। चाहे आप UPSC 2016 देख लें, उसमें भी करप्शन हुआ, चाहे आप वीडियो UP SSSC वीडियो देख लें उसमें भी हुआ, चाहे UP SSSC की कोई भी एग्ज़ाम आप देख लें उसमें करप्शन हुआ, PCS में भी करप्शन होता है, ठीक है, बिजली विभाग में भी करप्शन होता है। तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं यूपी बिहार की जहाँ पे करप्शन ना हो, 100% तो कोई फेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करना बंद कर दें, आप भगवान का नाम लेकर अपनी पढ़ाई करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाभ उठा सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।